सो गाइस जो आपने रील देखी काफ़ी ज़्यादा वायरल चल रही है इंस्टाग्राम पर, अगर आप इस तरह की ट्रेंडिंग रील बनाओगे अपने इंस्टाग्राम पर अपलोड करोगे तो आपकी भी रील काफ़ी ज़्यादा वायरल होने वाली है और आपके रील में काफ़ी अच्छे व्यूज़ आने वाले हैं। तो इस तरह की रील बनाने के लिए आपको दो एप्लीकेशन की यहाँ पे ज़रूरत होगी। फर्स्ट एप्लीकेशन है कैपकट एंड सेकेंड एप्लीकेशन है स्काई VPN गाइस, ठीक है। दोनों एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में सबसे पहले इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको स्काई VPN की जो एप्लीकेशन है ओपन करनी है एंड यहाँ पे सबसे पहले आपको VPN को कनेक्ट करना है, ठीक है। तो VPN कनेक्ट करने के बाद ही हमारी जो कैपकट की एप्लीकेशन यहाँ पे चलेगी। तो उसके बाद हमें जाना है कैपकट की एप्लीकेशन के अंदर गए, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी एक वीडियो को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस वाली वीडियो को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इसको मैंने ऐड कर लिया और ये वीडियो यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। तो ये लेयर आ चुकी है वीडियो की। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे नीचे देखकर आपको ओवरले गए, ठीक है। ओवरले पे क्लिक करना है एंड यहाँ से ऐड ओवरले पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको एक वीडियो को सिलेक्ट करने का, ठीक है। तो ये रही एक वीडियो, तो गाइस ये एक सैम्पल वीडियो। सो गाइस यहाँ पर देख लीजिए मैंने इस वाले एक वीडियो को ऐड कर लेगा, ठीक है। इस वीडियो को हम देख कर ही अपनी वीडियो को एडिट करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो का जो डाउनलोडिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इस वीडियो को डाउनलोड कर सकते, ठीक है। इस वीडियो को देख कर ही हमें यहाँ पे अपनी वीडियो को एडिट करने का, ठीक है। तो कैसे देख कर एडिट करना वो सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर वीडियो हमने साइड में लगा दी गई, ठीक है। इसी को देख कर हम अपनी वीडियो को यहाँ पर ऐड करेंगे। उससे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले इस वीडियो में कट लगाने का, ठीक है। जहाँ पे जैसे ब्लर फेक करा गया और जहाँ पे ये 3 जो लेयर आ रही है इस तरह के कट लगाने का, ठीक है। कैसे लगाना है यहाँ पे देखिए ध्यानपूर्वक देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें आगे जाने का, ठीक है। जहाँ पे ये ब्लर इफेक्ट्स ख़त्म हो रहा है, जैसे यहाँ पे ख़त्म हो रहा है तो यहाँ पे हमें कट लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम करेंगे टैप इस लेयर पे और हम स्प्लिट कर देंगे, ठीक है। तो ये कट लग चुका है। उसके बाद यहाँ पे आगे देख लीजिए जहाँ पे 3 लेयर ख़त्म हो रही है वहाँ पे हमें एक कट और लगाना है। यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे ख़त्म हो रहा है इस जगह पे, ठीक है। तो लेयर टैप करेंगे एंड स्प्लिट पे क्लिक करके यहाँ पे एक कट लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद आगे करेंगे, आगे करने के बाद जहाँ पे ये वीडियो ख़त्म हो रही है, ठीक है, इतना इसको लेंथ को लेबल लेंथ को बराबर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 3 कट लगा देगा, ठीक है। देख लीजिए कैसे कट लगाना बता दिया आपको। एक ब्लर जहाँ पे ख़त्म हो रहा है, उसके बाद जहाँ पे जो लेयर ख़त्म हो रही है 3 लेयर वाली वहाँ पे गैस और लास्ट कट यहाँ पे ये रही, ठीक है। उसके बाद हमें जो फर्स्ट वाली लेयर दिख रही है इसमें आपको ब्लर फ्लेक्स ऐड करना है, जैसे नीचे वीडियो में देख सकते हो ब्लर फ्लेक्स दिख रहा है, इसमें ब्लर फ्लेक्स ऐड करना है। ब्लर फ्लेक्स ऐड करने के लिए हमें स्टार्टिंग में लिखा रहना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको इफेक्ट्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है एंड वीडियो इफेक्ट्स पर क्लिक करना है आपको। और यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग लेगा, ठीक है। लोडिंग लेने के बाद आपको जाना है ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ठीक है। यहाँ पर जाओगे एंड यहाँ पर आपको जो ब्लर ऐड करना है वो करना है HEXAGONAL करके, ठीक है। जो तीसरे नंबर वाले पे क्लिक करना है, ठीक है, और टिक कर देंगे, ठीक है। ब्लर फ्लेक्स लग चुका है और जो ब्लर फ्लेक्स की लेंथ है ना आपको सेम रखनी है जहाँ तक कि ये लेयर है, ये देख लीजिए यहाँ तक की रखनी है आपको, ठीक है। इसको हम छोटा करके इतना कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हमें जो 3 लेयर ऐड करनी है वीडियो में, ठीक है, जो सेकेंड जो यहाँ पे लेयर है इसमें 3 लेयर ऐड करनी है। उसके लिए फिर से हम जाएंगे वीडियो इफेक्ट्स में, ठीक है। यहाँ पर जाएंगे वीडियो इफेक्ट्स में और यहाँ से हमें जाना है स्प्लिट का ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे एक गाइस, ये रहा स्प्लिट, इस पर क्लिक करना है। स्प्लिट पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा मिरर 3 करके, ठीक है। इस पर टैप करना है, ठीक है। देख लीजिए ये यहाँ पे लग चुका है, लेकिन देख लीजिए यहाँ पे फेस नहीं आ रहा है। फेस लेने के लिए आपको सिंपली एडजस्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको जो वर्टिकल है इसको नीचे करना है इस तरीके से, ठीक है। देख लीजिए फेस आ चुका है, उसके बाद टिक कर दीजिए। टिक करने के बाद देख लीजिए लेंथ लग चुकी है और इसकी जो लेंथ है इफेक्ट्स की आपको करना है सेम इतना ही जितनी ये वीडियो की लेंथ है, ठीक है। हाँ उतना कर देंगे इसको छोटा ये रहा, ठीक है। इतना करने के बाद उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे जो सेकंड लेयर जैसे यहाँ पे ब्लर इफेक्ट्स स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे एक एनिमेशन लग रहा है, ठीक है। ये देख लीजिए ये एनिमेशन लग रहा है, इस एनिमेशन को लगाने के सिंपली हम इस पर क्लिक करना है, इस लेयर पर एनिमेशन में क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक एनिमेशन मिलेगा, यहाँ पर स्लाइड रॉक हॉरिजेंटल करके मिलेगा, ठीक है। इस पर क्लिक करना है, यहाँ पर ये वाला एनिमेशन लगा दीजिए। उसके बाद हमें जाना है यहाँ पे सेकंड लेयर पे गैस, ठीक है। सेकंड लेयर पे भी हमें एक एनिमेशन लगाना है, एनिमेशन क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे हमें लगाना है रॉक वर्टिकल करके हुआ यहाँ पे, ये रॉक वर्टिकल, इस पर क्लिक करना है, लग चुका है, ठीक है। इतना एनिमेशन लगाने के बाद हमें जो लास्ट में दिख रहा है ना ये जो ये एनिमेशन दिख रहा है, ठीक है, इसको लगाने के लिए हमें सिंपली लेयर पर क्लिक करना है। लास्ट में जो एनिमेशन दिख रहा है, ठीक है, ये वाला, इसको लगाने के लिए सिंपली हमें यहाँ पर जाना है तीसरी लेयर पे एंड यहाँ पे बॉडी इफेक्ट्स पे जाना है गाइस।
बॉडी इफेक्ट्स पे जाने के बाद यहाँ पे आपको, सो गाइस बॉडी इफेक्ट्स पे जाने के बाद आपको स्लाइड करना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा गाइस ग्लोइंग लाइन, ठीक है, ग्लोइंग लाइंस पे क्लिक करना है और ग्लोइंग लाइंस में आपको वो वाला इफेक्ट्स मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये रहा इफेक्ट्स, ठीक है, यहाँ पर लिखा है ENVELOPING, ठीक है, इस वाले इस पर क्लिक करना गाइस और ये लग चुका है। यहाँ पर देख लीजिए लग चुका है और इसकी जो लेंथ है हम कर देंगे लंबी यहाँ तक की हमारी वीडियो है, तो ये वीडियो यहाँ तक कर दिया मैंने। तो देख लीजिए वीडियो एकदम रेडी होने वाली है गाइस, ये देख लीजिए सेम इफेक्ट्स लग चुका है जो मैंने वीडियो में दिखाया था गाइस, ठीक है, ये देख लीजिए इफेक्ट्स लग चुका है। और उसके बाद हमें म्यूज़िक ऐड करना गाइस, म्यूज़िक ऐड करने के लिए सिंपली हमने जो ये सैम्पल वीडियो ऐड कर रखी है ना इस पर टैप करना गाइस, नीचे आ चुकी है और इस वीडियो से हम ऑडियो निकाल सकते गाइस। नीचे आपको मिल गया एक्सट्रैक्ट ऑप्शन, नीचे जाएंगे यहाँ पर ऑडियो, उस पर क्लिक करेंगे और वीडियो से ऑडियो निकल चुकी है गाइस, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या करना है, उस वाले वीडियो को डिलीट कर देना गाइस, ठीक है, तो ये वीडियो उसको हम कर देंगे डिलीट, यहाँ पे एक डिलीट का ऑप्शन होगा, डिलीट कर दे वीडियो गाइस, ठीक है। और यहाँ पे ऑडियो भी लग चुकी है हमारी और ये देख लीजिए वीडियो एकदम रेडी हो चुकी है, देख लीजिए ये देख लीजिए। उसके बाद सिंपली आपको वीडियो को कर देना एक्सपोर्ट, पीछे ब्लैक पार्ट डिलीट कर दीजिए, उसके बाद वीडियो कर लीजिए अपनी गैलरी में सेव अपने क्वालिटी के अकॉर्डिंग है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई, अगर फ्रेंड शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल की नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। तो मिलता हूँ आपको अगली एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद निक टेक्निकल।